नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। ये ऐसे सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर कर दिया गया इसको। तो ये बताना, ये 130 सेंटीमीटर है, बताओ यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स निकालना हमको। ये इसका आर दिया गया 10, न्यू दिया गया 1.5, ठीक है, फोकल लेंथ हमको दिया गया 10 एंड 20 सेंटीमीटर। तो बताओ कि एक्स बताओ फॉर ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है ना उसी पर ही आके इमेज बने। तो बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, फटाफट सबको ट्राई करो। सर आपने ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या बताया? जहां पर ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर इमेज बने। ओके सर। देखो अगर ऑटो कॉलिमेशन की बात की जाए ना, अगर यहाँ पे तो समझना इस चीज को, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। ये फोकल लेंथ है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बने। तो जो फर्स्ट इमेज जो बनेगी ना वो इसकी बननी चाहिए 40 सेंटीमीटर दूर। तो अगर तुम सोचो 40 सेंटीमीटर दूर अगर बनेगी इमेज इसकी मिरर से, अगर ये ऐसे जाएगी रेस, ठीक है, ये ऐसे जाएगी रेस, तब तो ये मिरर, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है इमेज, जो दो रे जाएगी मिरर के लिए वो नॉर्मली जाएगी। सही रात, एक बार चेक करो फिर से एक बार। सही लग रहा, मैं भी एक बार करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बात है ये इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 130 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो म्यू टू बाय वी ये हमारा हो जाएगा, म्यू टू कितना है हमारा, ये फर्स्ट मीडियम एयर होगा 1.5 बाय वी कितना होगा अपना 90, 90 प्लस है लगा दो, माइनस म्यू वन कितना अपना 1, यू कितना है अपने को पता नहीं है, एक्स म्यू टू माइनस म्यू वन दैट इज 0.5 और रेडियस कितना हो जाएगा अपना 10 है, रेडियस का लेंगे प्लस लेंगे क्योंकि ये इधर ऐसे ले जा रही है तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, और यहाँ पे तुम चाहो तो इसको तुम माइनस भी ले सकते हो, तो हमारा एक्स निकाल के माइनस में लगाना पड़ेगा, और अगर एक्स लेते तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या 1 बाय एक्स हो जाएगा 0.5 बाय हमारा देखो 1/20 माइनस 1.5/90, तो ये हमारा हो जाएगा 15/6 माइनस 1/6, ये कितना हो जाएगा 60 LCM हो गया 23 जा,
हाँ 60 बने, दैट इज 2 बाय, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? तुमने राज एक बार चेक कर लो ना तुमने क्या किया, क्योंकि अगर हो जाता तुम्हारा से एक इसका एक आंसर और आएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ऐसे रे जा रही है, नॉर्मली जाके हिट करेगी तो रे ऐसे इससे टकरा के लौट के ऐसे आएगी और वापस ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और वापस से इससे ऐसे आकर के हिट करेगी। कभी भी तुमसे अगर पूछा जाएगा ना कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जहां पे वहां पे इमेज बनेगा, मतलब हमेशा अगर मिरर दिया गया ना तो समझ लेना इमेज कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती बनती, ठीक है। अब दूसरा इस पे पता है इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अगर सोचो मान लो अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं और रखा होता, पहली इमेज 40 सेंटीमीटर पे, हाँ तो हमको एक मिनट 40 सेंटीमीटर पे तो है, लेकिन हमको यहां से ना डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये स्फीयर से हमको कर्व से डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो कर्व पे काम कर रहे हैं, हमको ये डिस्टेंस पता है मिरर से, तो हमको तो डिस्टेंस कर्व से तो पता निकालना पड़ेगा पहले 130 माइनस 40 करके, आई बात समझ में? अच्छा उसके बाद देखो, अगर सोचो मान लो अगर ऑब्जेक्ट अगर हमने ऐसा कहीं रखा होता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, मान लो कहीं और रखते और अगर मान लो रे अगर ऐसे जाती और अगर रे इसके पोल पे जा, हम अगर ऐसी दूरी पे रखे कि जो फर्स्ट इमेज है वो पोल पे जाकर के बने, अगर, ठीक है, और यहां से जाए और अगर ये ऐसे जाके फर्स्ट इमेज अगर मान लो जाकर सीधे पोल पे जाके बन जाती है, तो भी तो देखो तो यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये वाली रे जो जा रही है ना ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर के, ये जो रे जा रही है ये रिफ्लेक्ट होकर ये वाला पाथ लेगी, ये वाले पाथ, और ये वाली जो रे है ना ये रिफ्लेक्ट होकर ये वाला पाथ लेगी और आई इक्वल टू आर ओबे करेगी और फिर से इमेज जो यहीं पर आकर के बनेगी। समझ में आ रही मेरी बात? सेकेंड केस क्या है, इसके दो आंसर आएंगे इस सवाल के। तो अगर हम ऐसा बोले कि यही वाले प्रॉब्लम में अगर हमने ऐसा सेटअप कर दिया इन सच ए वे, म्यूटू कितना हमारा लेंगे 1.5 बाय वी माइनस म्यू वन, हम कितना ले लेंगे यहाँ पे 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है माइनस एक्स, तो यहाँ पे वी हम क्या लेंगे, वी हमको पता रहेगा, वी हमारा हो जाएगा 130 सेंटीमीटर इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, दैट इज 1.5 माइनस 1 बाय आर, व्हाट इज आर हियर, आर इज 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहां से तुम फिर से जरा निकालो तो एक्स की वैल्यू को, हर देखो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना ये तुमको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन जो सेकंड वाला है ना ये हर जगह नहीं होता, इस सवाल में वैलिड हो रहा है, ठीक है, हर जगह तुमको ऐसा केस मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला तो कॉमनली मिलता है, ठीक है, जो फर्स्ट वाले का जो हमने जो वैल्यू बिठाई है। फिर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं समझने में किसी को भी सवाल, खाली कैलकुलेशन करनी आंसर आ जाएगा। हाँ मैं भेज दूंगा पक्का। अच्छा उसके बाद देखो, मैं ना सारे के सारे बैठ के ना अभी रे ऑप्टिक्स की आज बैठ के या 11th की भी 12th की भी सारे प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं एक, ठीक है, तुम लोग लेके इजी हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये सवाल जो है ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, यहाँ पे म्यू वन है यहाँ म्यू टू है, ठीक है, तो हमसे बोला जाएगा कि म्यू वन बड़ा है म्यू टू से, तो इस यहां बोला गया है कि ट्रू फॉल्स बताना है, इमेज फॉर्म्ड
इज ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, और सेकेंड ये ए पार्ट हो गया कि बी पार्ट हो गया, ठीक है. सेकेंड म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, ठीक है. ऑप्शन ए रिपीटेड जो यहां पर है, ऑप्शन बी रिपीटेड. तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ तुम लोग को, ये तुम्हारे बोर्ड वाले में जो है ना लगभग ऐसे लोग में देखो ना तो 6 केस दिए हुए, ठीक है. तो हम लोग वो केसेस भी हमारे यहाँ पे एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे. अब सोचो अगर मान लो ये वाला सवाल पता है ये कैसा जाता, देखो बोला जाएगा कि अगर म्यू वन बड़ा है म्यू टू से, ये डेंस है ये रेयर है, तो इसमें एक रे ऐसे जाएगी और ये हमारा सेंटर हो जाएगा. ये रे को जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन क्या होता है रे मुड़ जाती है, और रे मुड़ेगी रेयर से डेंस से जा रही तो रे मुड़ेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल. अब समझना यहाँ पे जब रे जाती है ना डेंसर से रेयर तो हमेशा मुड़ती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल. यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मुड़ने के लिए दो कहानियां हो सकती. एक कहानी ये होती है कि मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस, एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर दी. अब अगर ये मुड़ती है टुवर्ड्स ही नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल पे मुड़ने टुवर्ड्स ही नॉर्मल मुड़ने के लिए ये ऐसे भी जा सकती है, ये रे ऐसे भी जा सकती है और ये रे ऐसे भी जा सकती है. मतलब इसपे जो टूवर्ड्स ही नॉर्मल जो मुड़ेगी ना, ये देखो ये ऐसे थी, ये देखो ये जो डॉटेड लाइन तुमको देख रहे ना ब्लैक कलर की, ये मुड़ करके ऐसे ही चली जा सकती है या मुड़ के ऐसे भी जा सकती है. मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दो केस बन सकते हैं टूवर्ड्स ही नॉर्मल मुड़ने के लिए, कि वो रेड के ऊपर भी रह सकती है, वो रेड के नीचे भी रह सकती है, दोनों टूवर्ड्स ही नॉर्मल ही है. अगर तो ये रेड के ऊपर रहती है, ठीक है, तो रेड के ऊपर रहती है तो इमेज कहाँ बनेगी, पीछे हमने एक्सटेंड कर दिया और ये बन जाएगी यहाँ पे वर्चुअल इमेज. और अगर ये रेड के नीचे चली जाती है तो हमने इसको ऐसा खींच दिया और ये हमारी बन जाएगी रियल इमेज, ठीक है. तो हमसे बोला गया म्यू वन बड़ा है म्यू टू से, इमेज फॉर्म इज ऑलवेज रियल फॉल्स, इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल फॉल्स, इट कैन बी रियल और इट कैन बी वर्चुअल, ठीक है, डिपेंडिंग कि वो कितना ज्यादा रे मुड़ा है, ठीक है, ये बेंडिंग कितनी ज्यादा है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है कि पैरेलल लाइन के नीचे, वो डिसाइड. सबको अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, ये नीचे वाला कि ना ऐसे तुम्हारे क्या कहते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं. ये फिर से आते हैं, म्यू वन है म्यू टू है, म्यू वन छोटा है म्यू टू से, ठीक है ना, ये हमारा इसका सेंटर हो गया, ठीक है. अब चूंकि म्यू वन छोटा है म्यू टू से तो बेंडिंग कैसी होगी, बेंडिंग इसमें होती है अवेदी नॉर्मल हो जाएगी. अब रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसा है तो बेंडिंग कैसी होगी, अवेदी नॉर्मल होगी, कंपल्सरी है, ठीक है. अब रे जा रही है पहले कहा, पहले जा रही थी ये क्या कहते हैं म्यू वन छोटा था तो म्यू टू छोटा था, एक मिनट मैंने क्या कर दिया, एक मिनट म्यू वन यहाँ पर ना लिया था टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, मैंने ना तुम लोग केस नंबर 2 सॉल्व करवा दिया पहले, केस नंबर 2 कहां से, म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, मतलब ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है, ठीक है, तो रे जा रही है रेयर से
डेंसर में जा रही है, अगर ये रे जा रही रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो बेंडिंग कैसी होगी? अभी नॉर्मल हो जाएगी, और यहां पर ये है रियर टू डेंसर वाला केस, ठीक है, ये है रियर टू डेंसर वाला केस है, बिकॉज यहाँ पे ये बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब यहाँ पर म्यू वन छोटा होगा और म्यू टू बड़ा होगा, म्यू वन छोटा है और म्यू टू बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना हमारा, इसके लिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पर कि फॉल्स, ये भी फॉल्स, दिस इज केस नंबर टू, याद रखना, ठीक है। बिकॉज इन दिस केस हमने रे को कैसा मोड़ा है, रे को हमने मोड़ा है टूवर्ड्स ही नॉर्मल, देख सकते हो, और टूवर्ड्स ही नॉर्मल कब मुड़ती है रे, जब वो जाती है रेयर टू डेंसर, मैंने सिखाया था डर, डेंसर से रेयर अवे, यहाँ टूवर्ड्स है रेयर टू डेंसर। अब हम आते हैं फर्स्ट केस में, ये केस वन है, अगर ये रे अगर ऐसी आती है तो यहां पर रे जा रही थी इस तरह से, अब अगर हमने लिया है म्यू वन से, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है, ये जाएगी डेंसर से रेयर, मतलब अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल ऐसा, अवे द नॉर्मल मतलब ऐसा गया ऐसा, हमने इसको, अब देखो अभी आगे इसका और यहां तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको पीछे खींचा पड़ेगा, यहां बनेगी इमेज वर्चुअल इमेज इस पॉइंट पे, अगर यहां बनेगी वर्चुअल इमेज तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट केस में इमेज फॉर्म इज ऑलवेज रियल फॉल्स, इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल ट्रू, ठीक है, बात कभी भी अगर रे, ठीक है, तुम यहाँ पे एक चीज याद रख लो कि अगर रे जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो रेयर जाती है रेयर से डेंसर, जैसे कि एयर से ग्लास जाएगी, तो वहां पर एयर से ग्लास जाने के लिए वहां पे रियल भी बन सकती है वर्चुअल भी बन सकती है, लेकिन अगर वो ग्लास से एयर जाती है ना तो सिर्फ वर्चुअल बनती है, ठीक है, अगर तुम ऐसे याद रखोगे ना तो तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि एयर टू ग्लास अगर रे जाती है, ठीक है, तो कैन बी रियल कैन बी वर्चुअल, लेकिन अगर ये ग्लास से एयर जाती है, ठीक है, तो ओनली वर्चुअल, ठीक है, आई थिंक इतना अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग फिर आगे तो और टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।